हेलो ब्यूटीफुल सोल्स दिस इज साधवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्निंग आज मैं आपके लिए एक जर्नरलाइज रीडिंग लिख कर आई हूँ जो कि इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है आज की रीडिंग अक्टूबर 2023 के लिए है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर फ्लाश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल्ड डिवाइन जोनी ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंचलिक गाइडेंस रोज़ रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेलाइकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका जॉडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनर डिटेल्स सो आइए जानते हैं इक्वेरियस पीपल ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तो पहला कार्ड द हर्मिट का कार्ड है देन एज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है और देखते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एस किंग ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर दर्ड है सो इस मंथ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे इक्वेरियस पीपल आप अपने जो एलिमेंट है आपका आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे आप एक एयर एयरसाइन पर्सनालिटी हैं और आप एयर साइन पर्सनालिटी की तरह ही काम करने वाले हैं देखिए इस मंथ में आपकी जो एनर्जीज बेसिकली रहेंगी वो अबंडेंस ही लेकर आएंगी मतलब एनर्जीज हमेशा उसी डायरेक्शन में चैनलाइज रहेंगी जहाँ पर आपको अबंडेंस मिले नो no डाउट कुछ चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं देखिए इस मंथ में जितना जितना कर्म करेंगे उतने कर्मों का फल भी मिलेगा और अगर आप एक इक्वेरियस फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो इस मंथ में आपको डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर आप मेल हैं अपनी वाइफ के साथ प्लान कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज उन्हें सपोर्ट करेंगी इस मंथ में आप अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे आपको अबंडेंस मिलेगी प्रॉस्पारिटी मिलेगी और इस मंथ में आपकी पोजिशन इंप्रूव होगी लेकिन एक बात ये है कि आपके अंदर ईगो नहीं आने वाली है आप बल्कि दूसरों की मदद करेंगे अपनी पोजीशन को लेकर ठीक है अगर आप एक बेटर पोजीशन पर आते हैं तो आप दूसरों की मदद बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में आप ये महसूस करेंगे कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है आप दूसरों के साथ उतना डीप कनेक्शन बनाने की और भागेंगे नहीं ठीक है आप अकेले में टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये जो अकेले में आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि इससे आपको एक तो सेल्फ खुद को जानने की इच्छा जो थी आपकी वो पूरी होगी और दूसरा आप इनलाइटनमेंट की एनर्जीज की और बढ़ेंगे ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है आपके अंदर काफ़ी मेचोरिटी इस महीने में आती हुई मुझे नज़र आ रही है द नेक्स्ट इज़ यहाँ पर थ्री ऑफ फायर का, का कार्ड है इस महीने में आप जो भी एक्शंस लेंगे ध्यान रखिएगा कि उन एक्शंस का फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपने पास्ट में जो चॉइसेस बनाई हैं उससे आपको अबंडेंस मिलने जा रही है आप अगर बहुत टाइम से एक वेटिंग पीरियड में हैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो वेटिंग खत्म होती हुई नज़र आ रही है आपकी मेहनत का जब आपको फल मिलेगा तो खुद पर आपको प्राउड भी फील होगा कि हाँ आपने सही टाइम पर सही तरह के एक्शंस लिए ठीक है और नेक्स्ट अपना फ्यूचर प्लान करने में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जल्दबाजी में कोई भी स्टेप्स आपको नहीं लेने हैं ठीक है ठीके? ये और चीज़ है तेनेस किंग ऑफ कप्स का कार्ड है देखिए इस मंथ में आप अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं ये आपकी अप्रोच रहने वाली है आपको ऐसा लगेगा आपके अराउंड ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं आपको बैक स्टैप कर सकते हैं बट यहाँ पर आप थोड़े से गलत हैं आपके अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और कोई एक पर्सन तो ऐसा ज़रूर है आपके अराउंड जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं आपके लिए सिचुएशन सेफ़ है आपके रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उनके अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है अपने इमोशंस को आप बहुत अच्छे से हाइड करके रखेंगे इस मंथ में चैरिटी ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें तो आपको किसी काउंसलर के पास भी जाना चाहिए यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देखिए इस मंथ में आप जो मेहनत करेंगे साथ के साथ ही आपको फल मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला है तो जो पास्ट में आपने मेहनत की है उसके फल आपको मिलेंगे आपको अगर आपके किसी एफर्ट का रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं पहला कारण ये है कि आप ज़रूरत से जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं थोड़ा सा टाइम देंगे तो फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेंगे और दूसरा आपने मेहनत ही कम की है तो इसलिए मेहनत पर जोर दीजिएगा ठीक है थोड़ा सा रेस्ट करके आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है अननेसेसरली चिंता नहीं करनी है इस मंथ में किसी भी चीज़ को लेकर आप अगर ज़्यादा चिंतित रहेंगे तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी जबकि एनर्जीज अच्छी हैं यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में आप यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं जिस डायरेक्शन की ओर आप मूव करना शुरू करेंगे उसी डायरेक्शन में आप आगे की ओर चलेंगे आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे आप एम्बिश रहने वाले हैं अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल आप अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर रखेंगे और इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तक कोई भी बात नहीं रखने वाले हैं आपको अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी है तो सामने वाले इंसान को आप बहुत इजीली बता देंगे ठीक है और बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट करने में कोई बुराई नहीं है और अगर कोई पर्सन आपको पीठ पीछे क्रिटिसाइज़ करता है तो उस चीज़ को लेकर सेंसिटिव आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है इस मंथ में आपको कोई इमोशनल प्रपोजल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कोई ऐसा प्रपोजल जो आपके इमोशंस को साटिसफाई करेगा या किसी रिलेशनशिप की टर्म्स में हो सकता है करियर की टर्म्स में हो सकता है ऐसा लगेगा आपको आपकी दुनिया मिल गई है आपको मतलब ऐसा कोई इमोशनल प्रपोजल आपको मिलने वाला है आप इस मंथ में अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देखिए इस महीने में आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या किसी पर्सन के पीछे पीछे भागने वाले हैं जिससे आपके अंदर फियर और नेगेटिव एनर्जी ज्यादा डेवलप होंगी आप ये फियर अपने मन से निकाल दीजिएगा कि आपको कोई कोई लॉस हो सकता है लॉस हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने करियर के अंदर बड़ा शिफ्ट क्रिएट नहीं करेंगे और किसी के पीछे इतनी बुरी तरह से नहीं भागना है ना किसी पर्सन के पीछे ना किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लें ठीक है थोड़ा मेहनत करना सही है लेकिन किसी चीज़ के लिए पजिसिव हो जाना वो गलत है ठीक है यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है इस मंथ में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है ठीक है आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं एंड मोर ओवर इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है आपकी फ़ैमिली के साथ आपके कनेक्शंस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं ठीक है तो ये है जनरलाइज्ड एनर्जीज एक आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है पेज ऑफ फायर का कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है द सन का कार्ड है यहाँ पर द नेक्स्ट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है देन इज़ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट इज़ द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है देखिए सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है इक्वेरियस पीपल इस महीने में वक्त का एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए होने जा रहा है आपके रिश्ते के अंदर जो डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं वो ख़त्म होंगी आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है जो ये वेटिंग पीरियड है ना आपका जो आप इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे अपने पार्टनर का वो इस मंथ में ख़त्म होगा और आपको अपने पार्टनर की तरफ अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है आपके पार्टनर ही आपकी और बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस महीने में वो उम्मीद की किरण आपको नजर आएगी जो अभी तक आपको नजर नहीं आ रही थी अपने रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप का जो अंधकार है वो दूर होने वाला है मान सम्मान के साथ आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती को भी मानेंगे ठीक है और आपको एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल प्रपोजल प्लस प्रैक्टिकल प्रपोजल वो दोनों ही देने वाले हैं आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने इतनी इजीली नहीं रखने वाले हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आप अपने पार्टनर के ऊपर इतनी इजीली फेथ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं ठीक है द अदर थिंग इज़ दैट आपके पार्टनर की ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है ये आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा करेगी अचानक से आपके पार्टनर को क्या हो गया अचानक से आपके पार्टनर आपकी तरफ को क्यों बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं कि वो आपको दोबारा से हर्ट करेंगे इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे आपका इस तरह से बिहेव करना स्वाभाविक है आप अपने पार्टनर से टाइम लीजिए आप उन्हें डायरेक्टली कह दीजिएगा कि अभी एकदम से आपको कमिटमेंट में एंटर नहीं करना है आपके पार्टनर अगर अपनी फैमिली के सामने आपको अपनाने के लिए तैयार हैं तो आप उन्हें हाँ कहिएगा नहीं तो उनसे थोड़ा सा वक्त ले लीजिएगा नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला है बट आपको भी तो अंदर से सैटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना ऐसा थोड़ी ना कि जल्दबाजी में अब आपके पार्टनर कहीं से भी आए और अपने पास्ट के बारे में कोई बात ना करें और फ्यूचर आपके साथ बनाने की कोशिश करें तो ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेंगी तो आप अपना वक्त लेकर आगे की ओर बढ़िएगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है इस मंथ में आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में भी बदलाव आएंगे आपकी इंटीमेसी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके इस रिलेशनशिप में अगर कोई भी छोटी मोटी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो रिजॉल्व होगा आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ ऑप्टिमिस्टिक होगा बट उससे ज़्यादा आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने वाले हैं आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं और आप अपने पार्टनर को वो मान सम्मान वो रिस्पेक्ट देंगे जो वो डिजर्व करते हैं ठीक है और सामने से वाय वर्षा होने वाला है आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको ये सारी चीज़ें देंगे वो भी आपको प्यार देंगे रिस्पेक्ट देंगे ठीक है आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा एक नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप जा रहा है आपका अगर शादी के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो शादी फिक्स हो सकती है अगर आप बेबी कंसीव करने के बारे में बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर सफल होती हुई नज़र आ रही है और एकदम से कोई भी न्यूज़ आपको मिले तो बाहर लोगों के साथ शेयर करने की बजाय अपनों के साथ शेयर कीजिएगा दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू और अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस इस महीने में आपको मिलने जा रहा है ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है ठीक है तो ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज़ हैं और आपके जो पार्टनर है वो आपको आपके करियर में सपोर्ट करेंगे आप अपने पार्टनर को उनके करियर में सपोर्ट करने वाले हैं किसी भी तरीके की किसी और की तरफ से कोई ऐसी इंटरफेरेंस यहाँ पर होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही है ठीक है बहुत ही खूबसूरत है ना वो चीज़ है अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं इक्वेरियस पीपल इस महीने में आपको प्रपोजल तो आएगा और वो भी किसी के थ्रू मतलब डायरेक्टली कोई आपको अप्रोच नहीं करने वाला आपका कोई कॉमन फ्रेंड होगा वो शायद बताएगा और ये कोई अरेंज मैरिज के फॉर्म में रिश्ता सेटल नहीं होगा ये एक लव मैरिज की फॉर्म में ही रिश्ता बनेगा इस मंथ में कोई पर्सन आपके साथ जुड़ने जा रहा है और उस पर्सन के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपका लकी चाम है आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिले हो रही थी पोस्टपोनमेंट हो रही थी वो सब खत्म हो जाएगी ठीक है और धीरे 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 जो आपका ये रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग होगा इसी मंथ में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा एक दूसरे को समझने का वक्त लीजिएगा ठीक है पर इस पर्सन के साथ फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है और इस पर्सन के जो जॉडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है वेरियस साजिटेरियस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पर्सन उनके वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं ठीक है सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी इक्वेरियस पीपल आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और देखते हैं यह महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है इक्वेरियस पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा आइए जानते हैं यह महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है टू ऑफ़ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्प्रेस का कार्ड है वाह एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ट्रीमर का कार्ड है सो so, इस मंथ में आपके करियर में भी बहुत बड़ी एडवांसमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपको कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल किसी की तरफ से मिलेगा जो आपको इमोशनल सैटिस्फेक्शन भी देगा आपके करियर के अंदर आपकी प्रमोशन हो सकती है आप अपने करियर में कोई नई जॉब पर स्विच कर सकते हैं और एक हायर पोजीशन पर स्विच कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल सोर्सेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे अपने आप को बस ग्राउंडेड रखिएगा जो काम स्टार्ट करेंगे उसे खत्म जरूर कीजिएगा आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप बिज़नेस करते हैं आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता हुआ नज़र आ रहा है बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आपके फाइनेंसिस में आपको किस तरह की एडवांसमेंट देखने को मिल रही है किस तरह की इंप्रूवमेंट हो रही है वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है लोगों के साथ थोड़ा सा बैरियर बनाकर रखिएगा क्योंकि आपके आसपास जेलसी की एनर्जीज यहाँ पर डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे और वो आपके ऊपर किसी तरह का डाक एनर्जी का इम्पैक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो अपने करियर के बारे में किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करनी है अगर अपने करियर को लेकर आप निराश हैं तो वो निराशा आपको खुद पहले एलिमिनेट करनी है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैप करना है ग्राउंडेड रहिएगा ईगो वैसे भी आप शो नहीं करने वाले हैं बट सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वजह से आपके अंदर ईगो आ गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना किसी को शो ही नहीं करना है कि आपके करियर के अंदर कुछ अच्छा चल रहा है अपनी लग्जरीज पर इतना ज़्यादा स्पेंड मत कीजिएगा कि सामने वाले को लगे कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा एंड यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड भी है तो इस मंथ में अपने करियर को लेकर पैशनेट रहना है हमेशा एक्शन लेना है अपने सपनों को साकार करने का ये वक्त है आप बहुत सक्सेसफुल होंगे आपको अपेंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है प्रॉस्पारिटी मिलेगी आपके करियर में आपकी जॉब में आपके बिजनेस में आपको लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने करियर के अंदर किसी तरीके का बड़ा चेंज गो थ्रू करने की कोशिश ना करें ठीक है द अदर थिंग इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज स्टार्ट करने का मौका मिलेगा जॉब जॉब करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा बिजनेस करते हैं तो वही सेम बिजनेस में एक्सपेंशन आप कर सकते हैं खुद पर यकीन रखिएगा जो चीजें आपको नहीं पता है उसे ईश्वर पर छोड़कर लीप ऑफ़ फेथ के साथ आगे बढ़िएगा फेथ के साथ आप एक आगे की और लीप लेंगे तो ईश्वर का सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ठीक है तो ये है आपके करियर की इन आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी इक्वेरियस पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी इक्वेरियस पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है सेवन ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर मेजर इश्यूज तो नहीं होंगे लेकिन हेल्थ को लेकर मनी की स्पेंडिंग जरूर नजर आ रही है और वो भी एक बैलेंस्ड फॉर्म में ठीक है ठीके? तो जो आप मेडिसिन लेते हैं उन उन्हें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं तो उससे जो भी आपके पैसे लगने हैं तो वो वहाँ लग जाएंगे ठीक है योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे सेंसिटिव रहेंगे कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है आपको क्या मतलब है कौन क्या बात कर रहा है कोई लेना देना नहीं है किसी की किसी भी चीज़ से दूसरे कौन होते हैं आपको जज करने वाले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा ठीक है तो दूसरे क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जो लोग इसी चीज़ में उलझे रहते हैं ना उनकी जो हेल्थ है ना वो अंदर ही अंदर डिड्योरेट होती रहती है उन्हें पता भी नहीं लगता है ठीक है आपका माइंड है कोई डस्टबिन थोड़ी ना है जिसके अंदर आप डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं ऐसे थॉट्स कचरा ऐड कर रहे हैं जरूरत ही नहीं है वो जो दूसरे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ता है ठीक है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना दूसरों के बारे में नहीं सोचना है अपनी हेल्थ को लेकर अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा अपनी हेल्थ को आपको प्रायोटाइज करना ही होगा एंड इस मंथ में आपकी हेल्थ के ऊपर आप कंट्रोल बना सकते हैं ठीक है कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं सो आई होप आपको ये एनओजीज़ भी क्लियर हो गई होंगी सो so, आइए अब जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या इस मंथ में आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए आइए जानते हैं क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या इस मंथ में आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए आइए जानते हैं सो so, पहला कार्ड है यहां पर नाइन ऑफ फायर का कार्ड है देन ईगो का कार्ड है एक और कार्ड भी है शायद नहीं देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहां पर द नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टू ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है अगर हम बात करें मनी के इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेटली आपको इस महीने में इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन अपने आसपास वाले लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ कुछ शेयर करने की जरूरत आपको नहीं है एक्शन लेना है इन्वेस्टमेंट इस मंथ में आपको करनी है और इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन को छोड़ना नहीं है अगर आप ये सोचें पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उससे क्या फायदा हुआ नुकसान ही हुआ है वो चीजें नहीं है सोचनी है आपको ठीक है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और फ्यूचर को दिमाग में रखकर इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है बैलेंस रहकर इन्वेस्टमेंट करनी है इतना ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना है इतना कम अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना है जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कीजिए कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उस पर भी किसी तरीके का कोई फर्क ना आए ठीक है ये चीज़ आप कर सकते हैं ओके और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफ़ बनाना चाहते हैं और भी जहाँ पर आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है अपने हिसाब से कीजिएगा ओके okay, रही बात घर बनाने की तो अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं कोई टोकन अमाउंट आप दे सकते हैं लेकिन इसी मंथ में आप घर बनाएं ऐसा आपको नहीं करना है बिकॉज उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगी टोकन अमाउंट दे दीजिए अगले मंथ में देखेंगे जैसी एनर्जी होगी उस हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी इक्वेरियस पीपल आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिवस की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है द व्हील का कार्ड है का 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 the का का कार्ड 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 है, 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 एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिएगा आपने पास्ट में भी सेम एग्जाम दिया होगा उस चीज को लेकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि पास्ट में तो क्लियर नहीं हुआ अब कैसे क्लियर होगा क्लियर तब होगा जब आप किसी से गाइडेंस लेंगे ठीक है कोई गाइडेंस ऐसी जो आपको आपके पढ़ाई के रिगार्ड में गाइडेंस दे पाए मतलब ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन नहीं देखनी है आपकी पढ़ाई में कहाँ कमी आ रही है अपना ट्यूशन जो है वो चेंज कर सकते हैं आप अपने ट्यूटर से पूछिए कि कहाँ पर क्या चीज़ गड़बड़ हुई है गाइडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए अपने मन को शांत कीजिएगा इस मंथ में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने के लिए मिल सकता है आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे अगर बैलेंस के साथ चलेंगे तो अपना मन लगाइएगा पढ़ाई में पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ दीजिए ये सोचकर एग्जाम दीजिएगा कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फोकस्ड होकर जितनी पढ़ाई करेंगे आपको सक्सेस उतनी ज्यादा मिलेगी ठीक है उतने अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे उतना अच्छा रैंक आप स्कोर कर पाएंगे आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उनके ऊपर इतना ज़्यादा फेत मत कीजिएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स शायद आपको मिसलीड कर सकते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं डोंट शेयर एनीथिंग विद अगर कोई पूछता भी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था ना नहीं, नहीं कर रही थी मैं तो फ़ोन पर था मतलब इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को छुपाने की ज़रूरत है क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिसगाइड भी कर सकता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी ये इस मंथ में की गई पढ़ाई आपको सक्सेस तो दल, दिलाएगी ही साथ में ही इमोशनल कंटेंटमेंट आप हासिल करेंगे आपको ये फील होगा कि हाँ अब मैंने पढ़ाई की है अगर आपका फोकस बनेगा तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा ठीक है so, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए एक्वेरियस पीपल वट शुड बी योर मोड ऑफ़ एक्शन आपको क्या मोड ऑफ़ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकेंस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन एल्कमी का कार्ड है द नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हैज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है एंड बॉडम ऑफ द डेक पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है देखिए इस मंथ में कुछ लोग आपसे डिटैच होंगे उन्हें अपने से दूर जाने दीजिएगा क्योंकि वो लोग आपके कार्मिक से आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और इस ड्रामा के बियॉन्ड आपको अपनी लाइफ को लेकर जाना है अपने लिए खुद नई एनर्जी का निर्माण कीजिएगा अच्छी एनर्जी का निर्माण कीजिएगा लोगों को अपने साथ ज़्यादा अटैच करने की कोशिश मत कीजिएगा इस मंथ में आपको सच की आवाज़ बनना है स्ट्रांग रहना है अपनी लाइफ में अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है और आप सच बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा उसके दिमाग में आपकी किस तरह की इमेज बन जाएगी आप उसकी नजरों में गिर जाएंगे ये नहीं सोचना है आपको घबराने की जरूरत नहीं है जो लोग सच का साथ देते हैं ना ईश्वर उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं बस आपको सच का साथ देना है यहाँ पर डिवाइन एल्कमी का कार्ड है आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ना है अपने डिज़ायर्स के ऊपर फोकस करना है आपको और अपने ठड़ाई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर आपको मेडिटेशन करनी है यहाँ डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है देखिए वो कीजिएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सही है आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है और फ्राइडे की जो मेरी एंजनिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टारो पर आती है उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजुलिक गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें यहाँ पर टीचर अवेकेंस का कार्ड है देखिए इस महीने में आपके पास आपका एक्सपीरियंस होगा शेयर करने के लिए लेकिन शेयर उसी के साथ करना है जो आपसे कुछ सीखने आए जो आपसे पूछे और बहुत ग्रेसफुली शेयर करना है दूसरे को इंस्पायर करना है आपसे अगर कोई मदद मांगने आ रहा है उसके लिए आपको इंस्पिरेशन बनना है कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है लेकिन अपनी नॉलेज को ऐसे इंसान के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है जिसको उस नॉलेज की कोई कदर नहीं है ठीक है so, सो ये दोनों का आज यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और संडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको जरूर फॉलो करने हैं सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा एंजलिक गाइडेंस में से आपको फ्राइडे और संडे की एंजलिक गाइडेंस को फॉलो करना है सो so, आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन इस अक्टूबर के मंथ में इक्वेरियस पीपल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है क्या ब्लेसिंग्स है तो पहला कार्ड है ग्राउंडिंग का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज अनकावरिंग ट्रेशर का कार्ड है द नेक्स्ट इज स्टिंग फोकस्ड का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को सिम्प्लीफाई कीजिएगा आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं ये रास्ता डिवाइन ने आपके लिए निर्धारित किया है तो ये रास्ता आपके लिए गलत हो ही नहीं सकता है अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा अब आप अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा और हर चुनौती को पार करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है अपने आप में फोकस रहिएगा आप अपनी लाइफ में क्या चाह क्या रहे हैं उस चीज़ पर आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बीच में चाहे चैलेंजेस आए आपको डगमगाना नहीं है डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वो टाइम है जब आपको खुद को हील करना है डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना है अपने तरीक़ों में बदलाव लेकर आने हैं और नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं ये राहु का ट्रांजिट है जिसके बारे में डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस मंथ में आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे और डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं ये मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए कि ग्राउंडेड रहिए आपको ऐसे शो करना है कि आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं और ये चीज़ फील करनी है ये तभी मैनिफेस्ट होगी ठीक है अपने रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए ठीक है यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेशर का कार्ड है ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि अभी आपको अपने लिए शायद कुछ पॉजिटिव नज़र ना आए लेकिन आने वाला वक्त अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आएगा जो डिवाइन ने आपके लिए फाइनलाइज करके रखी हुई है। ठीक है so, सो आई होप इक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सअप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोलडिवाइन जोनिट आर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती है और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेलाइकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ सो so, आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सो